Help me for 100k subscriber. Help me for 100k subscriber. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यहां पर मैं लेकर आया हूं इप्सन का प्रिंटर। इप्सन का L210 मॉडल का प्रिंटर है मेरे सामने, और इस प्रिंटर में यहां पर डबल लाइट ब्लिंकिंग भी कर रहा है यहाँ पर, और देखता हूँ इसका प्रॉब्लम कंप्यूटर के स्क्रीन पर यहाँ पर क्या दिखाता है, क्योंकि इसका डिस्प्ले नहीं होता है, जो फ्रंट पैनल डिस्प्ले होता है वो नहीं है। इसीलिए यहाँ पर इसका जो स्टेटस है, प्रिंटर का स्टेटस हम देखने के लिए हम कंप्यूटर का स्क्रीन में देखना होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसका एरर क्या दिखाता है और उसका सोल्यूशन किस तरह से क्या आता है, मैं यहाँ पर सब कुछ बताऊँगा। तो दोस्तों हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और साइड में रहने वाला बेल आइकन भी दबाना दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जितने भी हमारे वीडियोज़ अपलोड होता है और जितने भी हमारा ये जानकारी मूलक वीडियोज़ है, सभी को आपको देख पाए दोस्तों, ठीक है। अच्छा दोस्तों यहाँ पर मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ, इसका प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा प्रिंटर, इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पर किस तरह का एरर देता है, ठीक है। ये देखिए मैंने ऑन कर दिया, ये देखिए हमारा स्कैनर भी यहाँ पर मूव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ एक अभी यहाँ पर इंक का लाइट यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पर आवाज़ भी कर रहा है स्कैनर का, ये देखिए यहाँ पर डबल लाइट ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। और इस तरह से लाइट ब्लिंक करने के बाद यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, आपको इसको दिखाऊंगा आप यहाँ पर कंप्यूटर का स्क्रीन में क्या दिखाता है, ठीक है। और उस एरर को हम किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं वो भी मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर वीडियो में बने रहना बिल्कुल। यहाँ पर मैं थोड़ी सी ये ग्लोव्स लगा रहा हूँ थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर की स्क्रीन में दिखाता हूँ इसका एरर क्या होता है। यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन में यहाँ पर प्रिंटर एंड डिवाइस, डिवाइस एंड प्रिंटर, यहाँ पर इप्सन का L210 मॉडल का प्रिंटर है, और यहाँ पर इसमें मैं प्रिंटिंग परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस पर जाता हूँ, और यहाँ पर प्रिंटर इप्सन स्टेटस मॉनिटर 3 दिखाता हूँ क्या रहता है। यहाँ पर इट्स यहाँ पर दिख रहा है रिफिल अप टू द लाइन फॉर ऑल इंक टैंक्स जी, इस तरह का यहाँ पर इरर दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर इंक रिफिल करने की यहाँ पर बता रहा है, तो यहाँ पर कंटिन्यू यूज ऑफ द प्रिंटर व्हेन द इंक लेवल्स इज बिलो, इस तरह का यहाँ पर मैसेज दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये यहाँ पर दिखा रहा है इट इज़ टाइम टू रिसेट द इंक लेवल्स, यहाँ पर इस तरह का मैसेज दे रहा है उसको, ठीक है। तो इस तरह का मैसेज देने के बाद यहाँ पर हमको ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का रहने दूँगा। और यहाँ पर देखता हूँ इसका इंक लेवल क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इंक लेवल देखेंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा इंक यहाँ पर भरा हुआ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इंक पूरी तरह से यहाँ पर फुल है, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इंक में दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए थोड़ी सी यहाँ पर हिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इंक लेवल इंक पूरा होने के बाद भी इस तरह का मैसेज क्यों आ रहा है यहाँ पर, और क्यों इस तरह का एरर यहाँ पर डबल लाइन ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, इस कंडीशन में हमको यहाँ पर सब कुछ देखना होगा और किसको किस तरह से सॉल्व करना होगा सबको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर पावर को निकलता हूँ,
यहाँ पर ये देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ये देखिए, और यहाँ पर देखता हूँ मैं यहाँ पर क्या है इसका, जब यहाँ पर इंक क्या है, ठीक है, इसका जो टैंक है यहाँ पर कंटेनर है इनका, यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर देखता हूँ। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी इंक तो है लेकिन यहाँ पर बहुत कम है इंक। ये देखिए यहाँ पर इंक लेवल, यहाँ पर इसी तरह से भी यहाँ पर इंक लेवल का इधर आता है। अब मैं इसको यहाँ पर थोड़ी सी इंक खींचूँगा, ये देखिए यहाँ पर मैं पूरे इंक यहाँ पर खींच दिया, इंक खींचने के बाद यहाँ पर मैं फिर से स्टैंप को इतने होने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ी सी फिर से एक बार यहाँ पर इसको पावर देता हूँ, और यहाँ पर यहाँ पर जो वेस्ट इसका था उसमें यहाँ पर थोड़ी सी इंक था, इसको मैं इसलिए सिंस के द्वारा से यहाँ पर खींच रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अभी तो फिर से यहाँ पर पेपर का एरर दिखा दिया, ये देखिए ये देखिए यहाँ पर थोड़ी सी पेपर पेपर का यहाँ पर लिंक कर रहा है अभी, ठीक है। तो फिर से मैं इसको पावर को ऑफ कर दिया, पावर को ऑफ करने के बाद फिर से इसको ऑन करता हूँ, क्या ही रहती दिखाता है इसमें। यहाँ पर ये पेपर का ये तो ठीक है, पेपर सेंसर ये देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर दिखा दिया हमारा पे वही दिखा दिया, यहाँ पर जो इनका प्रॉब्लम था उसको यहाँ पर दिखा दिया। और यहाँ पर मैं फिर से एक बार कंप्यूटर की स्क्रीन पर कनेक्ट करता हूँ तो इसमें क्या दिखाता है, तो यहाँ पर फिर से सेम मिरर दिखा दिया। अभी तो यहाँ पर डबल लाइट हमारा ब्लिंक कर रहा है कि यहाँ पर मैं स्कैनर अभी नहीं जोड़ा हूँ, ठीक है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमको यहाँ पर जो था यहाँ पर इसने दे रहा है कि यहाँ पर इरर दे रहा है कि यहाँ पर इंक नहीं है, ठीक है। इसमें इंक का जो लेवल है वो ख़त्म हो चुका है, इंक यहाँ पर रिफिल करो, यहाँ पर इसने दिखा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर एक बार इसको इंक लेवल को रिसेट करने की कोशिश करते हैं और क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ, यहाँ पर फिर से चेक करता हूँ इसका क्या दिखाता है एरर, प्रिंटिंग परफॉर्मेंस हो गया यहाँ पर मेंटेनेंस, और फिर से यहाँ पर देखता हूँ। ये देखिए फिर से यहाँ पर सेम एरर दिखा रहा है, सेम दिखा रहा है, ठीक है।
तो अब मैं यहाँ पर क्या किया कि इसमें इसमें मैं किया कि यहाँ पर इसका जो टैंक था, टैंक बिल्कुल खाली था, उसमें यहाँ पर मैं इंक खींच दिया। और उतने होने के बाद यहाँ पर इंक रिसेट करने के लिए हमारा ये वाला स्टॉप की को थोड़ी देर तक इसको प्रेस करना होगा। ठीक है, यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, मैं इसको थोड़ी देर से प्रेस करता हूँ। यहाँ पर क्या दिखाता है इसने, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर स्कैनर निकाला हूँ, इसीलिए यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो इसके बाद में फिर से यहाँ पर स्कैनर लगाता हूँ एक बार, और उसके बाद फिर से यहाँ पर मैं दिखाता हूँ किस तरह का होता है। ठीक है, यहाँ पर इसको स्कैनर को मैं यहाँ पर स्कैनर को कनेक्ट कर दिया। स्कैनर को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर से पावर को ऑफ करता हूँ एक बार। पावर को दबा रखा हूँ, पावर, ये देखिए पावर ऑफ हो चुका है। फिर से यहाँ पर करता हूँ ऑन। आज मैं यहाँ पर ये होने के बाद यहाँ पर इंक लेवल को रिसेट करने के लिए इसको दबाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारा दिखा चुका है, अब इसको दबाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर पेपर का लाइट भी यहाँ पर जल चुका है, और दोनों लाइट यहाँ पर इसका सिग्नल दे चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखता हूँ यहाँ पर क्या है। पेपर का स्प्रिंग तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं दिखा रहा है, और तो भी यहाँ पर इस तरह का ही दे रहा है। तो इसके लिए एक बार मैं करता हूँ इसको, यहाँ पर इस तरह से डबल लाइन ब्लिंक करने के बाद फिर से मैं इसको यहाँ पर जो स्कैनर का कनेक्टर है उसको अच्छी तरह से लगाऊंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो सिंगल लाइट दे रहा है उसको ठीक करूँगा। यहाँ पर हो सकता है कि इसका जो कनेक्शन है उसमें दिक्कत होने के बाद भी यहाँ पर ज़्यादातर से डबल लाइट ब्लिंक करने लग जाता है। ठीक, यहाँ पर आपको इस कनेक्टर को फिर से एक बार रिकनेक्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो एरर दे रहा है वहाँ पर मैसेज में तो सेम एरर दे रहा है। ठीक है, फिर से इसको रिकनेक्ट कर दिया। तो अब मैं यहाँ पर पावर को लगाता हूँ, और फिर से पावर को लगाने के बाद यहाँ पर फिर से पावर को ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर किस तरह का एरर देता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली यहाँ पर जो जो एरर दे रहा है यहाँ पर मैसेज पर, सेम वही में वही एरर देने के बाद यहाँ पर इसको नहीं खोलने के बाद और इसको दबाने के बाद यहाँ पर हमारा सॉल्व हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, अब हमारा यहाँ पर सिंगल लाइट ब्लिंक कर रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर डबल लाइट ब्लिंक करने के बाद में यहाँ पर इसको ओपन कराए, तो अब इसको रिसेट करने के लिए इसको हम दबाएंगे, इसको दबाने के बाद यहाँ पर कोई मूवमेंट आता है कि नहीं आता है आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसको दबाने के बाद यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ठीक है, शायद ये स्विच में ख़राब भी हो सकता है। इसको क्या करूँ मैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। इतने आने के बाद तो इसको दबाने के बाद यहाँ पर रिस्पॉन्स करना चाहिए था। ये देखिए, अभी अभी यहाँ पर ये ब्लिंक होने यहाँ पर छोड़ दिया। फिर से इसको टर्न ऑफ करके ऑन करता हूँ, क्या दिखाता है। ये देखिए दोस्तों, बहुत यहाँ पर तो यहाँ पर जादू हो चुका है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको दबा रहा था तो यहाँ पर कोई रेस्पॉन्स नहीं ले रहा था, लेकिन थोड़ी देर तक यहाँ पर रेस्पॉन्स ले चुका है,
और हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक पेज को मैं डालता हूँ, यहाँ पर किस तरह का प्रिंट निकलता है। ठीक है, यहाँ पर पेपर को डाल दिए। ठीक है, पेपर को डाल दिया और यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या देता है आप यहाँ को, यहाँ पे भी यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अभी हमारा रेडी दिखा रहा है, बिल्कुल रेडी दिखा रहा है। तो रेडी दिखाने के बाद यहाँ पर मैं टेस्ट पेज प्रिंट करता हूँ, क्या दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर नोजल चेक करता हूँ मैं। और यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करता हूँ। ठीक, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, हमारा प्रिंटर ने पेपर क्लिक किया था। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रिंट आ चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा प्रिंट बिल्कुल अच्छी तरह का नहीं निकला। यहाँ पर ये देखिए, इस तरह का प्रिंट निकल चुका है। और जो प्रॉब्लम था, जो इंक लेवल रिसेट करना था, उसको रिसेट हो चुका है। और जो डबल लाइट ब्लिंक कर रहा था दोस्तों, हमारा इसमें डबल लाइट क्यों ब्लिंक कर रहा था कि इसका जो कनेक्टर है, जो स्कैनर कनेक्टर है, वो अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं होने के बाद यहाँ पर डबल लाइट ब्लिंक कर रहा था। और जो प्रॉब्लम था यहाँ पर, वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। जो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दिया है कि दोस्तों, जब इंक लेवल को रिसेट करने के प्रॉब्लम आता है, तो ये इप्सन का L210 में, तो यहाँ पर कोई ओपन नहीं करना पड़ता है। क्योंकि मैं यहाँ पर क्योंकि ओपन किया कि यहाँ पर डबल लाइट ब्लिंक कर रहा था। ठीक है, सिंगल लाइट ब्लिंक करेगा तो आपको सिंपली इसको जो इंक का LED है वो ब्लिंक करेगा, तो सिंपली इसको दबाने से वो एरर ख़त्म हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पर डबल लाइट ब्लिंक करने के बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर निकाला, सब कुछ निकाला। और कभी कभी होता है कि दोस्तों, यहाँ पर जब अच्छी तरह से जो पंप नहीं होता है, इसका जो कंप्रेस नहीं कर सकता है जो इंक को, और उस टैंक को मैंने यहाँ पर सिरिंज के थ्रू से यहाँ पर फिल कर दिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंट प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसके लिए दोस्तों, थोड़ी सी हम यहाँ पर क्लीन करने के बाद, यहाँ पर हेड क्लीन करने के बाद यहाँ पर प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको थोड़ी देर तक मैं यहाँ पर दबाऊँगा और फिर से यहाँ पर हमारा ये देखिए रेस्पॉन्स कर चुका है। यहाँ पर क्लीनिंग रेस्पॉन्स हो चुका है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से क्लीनिंग होने के बाद यहाँ पर हमारा प्रिंटर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना दोस्तों, हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जितने भी हमारे वीडियोज़ हैं, सभी को लाइक करना, शेयर करना और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है।